नमस्कार दोस्तों, डिप्लोमा मैथ मस्ती में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप लोगों के डिमांड पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज आ गया है, ठीक है। क्योंकि आज से मैंने आपको बताया था कि आज से यानी कि 4 तारीख से आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चलने वाला है, ठीक है। हम लोगों ने क्या है कि जितने भी कॉन्सेप्ट थे चैप्टर नंबर 10 तक यानी सर्किल यानी वृत्त तक हम लोग पढ़ चुके थे, आज से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज चलने वाला, जो कि 150 क्वेश्चन का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, ठीक है। इस 150 क्वेश्चन में पहले इसको सीरीज की टॉपिक बात कर लेते हैं। इस 150 क्वेश्चन से ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा जिससे आप क्यों क्वेश्चन मिले ना एग्जाम में, जो क्वेश्चन आएगा 100% आपको मिलने की गारंटी है, ठीक है। तो मतलब 100 नहीं कर सकते, 90 कम से कम 99% आप क्वेश्चन कर ले, और 150 क्वेश्चन अगर कर ले जाते हैं आप, सिर्फ 150 क्वेश्चन आप कर लेते हैं, डेफिनेटली आप अच्छे से अच्छा स्कोर कर ले जाएंगे, ठीक है। एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाने वाला, इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड आपके क्वेश्चन मिलने वाले हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में BTUP के सिलेबस के अकॉर्डिंग क्या है, पूरा सिलेबस को अकॉर्डिंग पूरा निचोड़ करके एनालिसिस करके आपको क्वेश्चन पुटअप किया जाएगा, ठीक है। तो कुछ भी कोई भी काम करें आप इस सीरीज को जरूर देखिए, आज इसका पहला सीरीज है। इसी तरह से आपको यहाँ पर जो भी सीरीज रहेगा, जो भी वीडियो नंबर रहेगा, यहाँ कल दूसरा हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। तो आप लोगों के डिमांड पर आप क्लासेस चला देते हैं, डेफिनेटली अगर कोई भी काम करिए बस इस क्लास को आप क्या है, आज तो डिले हो गया है, ठीक है। तो डेली आपको 8 PM पे मिलने वाला है, ठीक है। तो आज थोड़ा सा डिले हो गया है, कोई दिक्कत नहीं, इससे डेली आपको 8 PM पे मिलने वाला, इस क्लास को मिस मत कीजिएगा। अगर आपको मैथमेटिक्स में अच्छा स्कोर चाहिए तो इसको मिस मत कीजिएगा, ठीक है। और भी किसी सब्जेक्ट का आपको चाहिए तो उसका भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और यहाँ पर देखिए, आप लोगों का जैसा सपोर्ट रहेगा, ठीक है, जैसा सपोर्ट रहेगा उस हिसाब से आपका सीरीज चलेगा। आप लोगों अधिक से अधिक लोगों को अगर जोड़ेंगे, अधिक से अधिक लोगों को जोड़ेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, ठीक है, तो आप लोगों को क्या है क्लासेस कंटिन्यू चलती रहेगी, ठीक है। आपको डेली क्या है 8 PM पर मिलती रहेगी। तो आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, अगर थोड़ा अच्छा लगेगा सीरीज, अच्छा लगेगा क्वेश्चन का कलेक्शन अच्छा लगेगा, तो आप जरूर लाइक शेयर करिएगा जरूर, ठीक है, और अपने दोस्तों को भी बताइएगा, ठीक है। उससे पहले बता दें, एक गारंटी आपके दावे के साथ कह रहे हैं कि आपका 100% क्लियर होने वाला है, कोई 40+ नंबर आसानी से गेन कर जाएंगे इसे। अब पूरा यहाँ पर क्या है, प्रीवियस ईयर पेपर रहेगा, मतलब जो भी क्वेश्चन कोई फालतू नहीं रहेगा, जो क्वेश्चन पिछले सालों में पूछा गया वही क्वेश्चन रहेगा। मॉडल पेपर कैसे बने इसके भी बारे में बात करेंगे। उससे पहले आपको बता दें, अगर आपको नोट्स चाहिए इसका भी नोट्स आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, ठीक है। पूरे आपका जो है प्राइम मेंबरशिप वाले ग्रुप में मैंने नोट्स चैप्टर नंबर 10 तक प्रोवाइड करवा दिया है, मैकेनिक्स का भी प्रोवाइड हो चुका है और मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 10 तक हो चुका है, ठीक है। तो जिनको भी नोट्स चाहिए आप इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, इस नंबर पर आप 9801-57612 पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अगर कॉल पर बात करना है तो इस पर आप व्हाट्सएप करिए, मैं एक और नंबर दूंगा, वहाँ से आप कॉल पर बात कर ले जाएंगे, ठीक है। आपको नोट्स के लिए आपको प्राइम मेंबरशिप लेना पड़ेगा ₹49 का, जिसमें मैथमेटिक्स सेकेंड और क्या है मैकेनिक्स का आपका नोट्स इंक्लूड होगा, ठीक है। तो ये रहा पूरा अपडेट, ठीक है। अब आते हैं अपने टॉपिक को, मोस्ट इंपॉर्टेंट यानी कि ये सीरीज काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। एक वीडियो में हम 10 से 15 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम क्वेश्चन को आज से शुरू करते हैं, पहला नंबर क्वेश्चन के साथ, ठीक है। इसको इस सीरीज को मत, कोई भी क्वेश्चन मत छोड़िएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें देखिए आज का पहला क्वेश्चन है मोस्ट इमेज जो प्रीवियस ईयर पूछा है, यहाँ पर ईयर भी डाल दिया गया है, 2010 में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। आप भी पेपर और पेन ले लीजिए, क्वेश्चन को नोट करिए और सॉल्व करिए, आंसर मिलाइए, ठीक है। प्रैक्टिस करने का ये सबसे बेस्ट तरीका है। वीडियो को प्ले करते चलते रहने दीजिए और साइड में ऐसे रख लीजिए, ठीक है। साइड में आप मोबाइल को रख लीजिए, वीडियो चलने दीजिए, क्वेश्चन को नोट करिए, ठीक। आपको हम ये नहीं कहते कि आप मेरा लाइन बाई लाइन याद करिए, कैसे आपको पढ़ना है, आपके ऑनलाइन कैसे पढ़ा जाता है उसका तरीका बता रहे हैं। आपको मैथमेटिक्स पढ़ना है तो आप क्वेश्चन को नोट करिए, सिर्फ क्वेश्चन नोट के लिए आपको वीडियो देख रहे हैं, यहाँ पर क्वेश्चन नोट कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नोट करिए, अब इसको सॉल्व करिए आप, ठीक, इसको आप सॉल्व करिए। आप यहाँ पर अब मोबाइल मत दीजिए, अब चलने दीजिए ऐसे उसको चले, उसके बाद आप जहाँ आपको फंसे फिर उसको देखिए, ठीक, सॉल्व करिए, फिर आंसर मिलाइए, देखिए आपका मैच कर रहा है नहीं, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, ठीक है। चलिए सॉरी थोड़ा सा खांसी आ रहा है, इसलिए आपको प्रॉपर वीडियो नहीं टाइम पर दे पा रहे हैं, ठीक है, फिर भी मैनेज कर रहे हैं किसी तरह से। चलिए, तो आपके लिए इतना मेहनत करें तो वीडियो को लाइक तो बनता ही है, तो लाइक कर दीजिएगा अच्छा लगेगा तो, ठीक है। तो पहला नंबर जो क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन नंबर 1, इंटीग्रेशन ऑफ x² + 3x² + 3x + 1 dx।
आपको क्वेश्चन ईजी लगेगा, क्योंकि अभी कलेक्शन क्या स्टार्टिंग से किए हैं, शुरू से किए हैं, तो क्योंकि दो नंबर में क्वेश्चन जो पूछता है इसी तरह से पूछता है। अभी पाँच नंबर का भी क्वेश्चन आएगा, लेकिन हम शुरू से स्टार्टिंग का सीरीज किए हैं, तो जैसा क्वेश्चन बनता है उसी लेवल पर लाए हैं। तो क्वेश्चन ईजी देकर आप इसकी मत कीजिएगा, क्वेश्चन का पैटर्न समझिए, ठीक है। चलिए अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको देखिए। तो इसका इंटीग्रेशन हमको अलग अलग इंटीग्रेशन, बीच में प्लस है ना, अलग अलग इंटीग्रेशन में तोड़ देंगे। तो इंटीग्रेशन आपका हो जाएगा एक्स के पावर 3dx, इंटीग्रेशन आप एक्स के पावर 3dx प्लस, अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर हो जाएगा 3x² इंटीग्रेशन dx। तो यहाँ तीन कॉन्स्टेंट, तीन बाहर आएगा, 3 इंटीग्रेशन ऑफ x² dx प्लस 3x है ना, इंटीग्रेशन ऑफ 3x, यानी तीन कॉन्स्टेंट, तीन बाहर आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x dx, इंटीग्रेशन ऑफ x dx प्लस, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा 1dx, यानी इंटीग्रेशन ऑफ 1dx। क्लियर क्लियर हुआ। चलिए अब क्या करें, x के पावर 3 का जो जैसे ही आप समाकलन करेंगे, x के पावर 3 प्लस 1 बटा क्या हो जाएगा, 3 प्लस 1, यानी x के पावर 4 बटे 4 प्लस 3x के पावर 3 बटे 3 हो जाएगा प्लस 3x², यानी x का जब समाकलन करेंगे, 3 तो रहेगा ही, x का जब समाकलन करते हैं, अब आपको बेसिक फार्मूला होता है आपको रिवाइज करवा देते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ x के पावर n dx जब भी आपको देखने को मिले तो इसका फार्मूला क्या होता है, x के पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1 प्लस का c, यही होता है। मतलब जो भी पावर रहेगा उसके पावर में एक ऐड कर देंगे और जितना आएगा उतने से ही भाग दे देंगे। क्लियर। तो मतलब यहाँ पर क्या है, x है, x के पावर 1 है, तो इसके पावर में क्या है, x के पावर 1 प्लस 1 ऐड करिए, यानी x के पावर 2 और बटे 2, ठीक है। 3 ऑलरेडी है, 3x² / 2 प्लस का यहाँ 1 है, तो 1 का जब इंटीग्रेशन करते हैं x होता है प्लस का c। क्लियर। अब कैसे होता है आप लोग जानते भी होंगे, क्योंकि 1 के पावर 0 होता है, मतलब x के पावर 0 का मान 1 होता है, तो हम इसके स्थान पर 1 के स्थान पर x के पावर 0 लिख देंगे, और x के पावर 0 प्लस 1 बटा 0 प्लस 1, यानी x के पावर 1, यानी कि x प्लस का c। क्लियर। बोलने से खांसी तेज आने लग रहा है, ठीक है, फिर भी आपको मैनेज करके पढ़ा रहे हैं, ठीक है। चलिए यहाँ तक क्लियर। अब यहाँ पर देखिए 1/4 एक्स के पावर 4 प्लस, यहाँ पर क्या, 3 से 3 कट जाए, एक्स के पावर 3 प्लस, यहाँ पर 3/2 x² प्लस, यहाँ पर x प्लस का c, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपका आंसर है, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन का आपका ये आंसर है, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। धीरे धीरे क्वेश्चन डिफिकल्ट होता जाएगा जिस तरह से क्वेश्चन पूछता है उस पर। अब ये क्वेश्चन देखिए कितनी बार पूछा हुआ है, ये क्वेश्चन तो देखिए, ये क्वेश्चन कितनी बार 2004 में, 16 में, 6 में, बैक पेपर वाले में भी पूछा गया, तो कितना इंपॉर्टेंट है ये आप लोग जान सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन का कलेक्शन इसलिए यहाँ पर लिखे क्योंकि आप लोग को झूठ आने लगे, ठीक है, और आप लोग बुक से जाकर मैच करा सकते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन नंबर 2 है। अब यहाँ 2 पे देखिए, तो इंटीग्रेशन आप अंडरवुड में एक्स प्लस 1/√ में x का होल स्क्वायर dx। क्लियर। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या है, पहले समझिएगा, अंडरवुड में x, इंटीग्रेशन अंडरवुड में x dx है, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करते हैं अभी बता दें। पहले इसको हम a प्लस बी को होल स्क्वायर पर तोड़ लीजिए। तो चलिए तोड़ लेते हैं a प्लस बी को होल स्क्वायर पर। अब तोड़ने के बाद a का स्क्वायर क्या है, यानी अंडरवुड में x का स्क्वायर करेंगे तो यानी क्या हो जाएगा, अंडरवुड कैंसिल हो जाएगा, x बाहर बचेगा, तो x प्लस 1/√ में x का 1/x प्लस, यहाँ 2ab होता है ना, 2 इंटू a का मान क्या है अंडरवुड में x प्लस, इंटू b का मान क्या है 1/√ में x, एक कट जाएगा आपस में, सिर्फ 2 बचेगा प्लस का 2 और dx हो गया। क्लियर। और उसके बाद क्या करेंगे, अलग अलग इसका समाकलन कर देंगे, x का समाकलन करें तो इंटीग्रेशन आप x dx हो जाएगा प्लस 1/x का, जैसे ही समाकलन करेंगे आप 1/x का, तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन आप 1/x dx का क्या होता है, log x होता है, हो गया प्लस 2 कॉन्स्टेंट 2 इंटीग्रेशन ऑफ dx। अब यहाँ पर देखिए, अब इसका समाकलन करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ x dx का x² / 2 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx का समाकलन क्या होता है, log x होता है, ठीक है, log x होता है, ठीक। उसके बाद 2 है, 2 लिखेंगे, x dx का समाकलन क्या होता है, x होता है प्लस का c, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर यही होगा, x² / 2 प्लस log x प्लस 2x प्लस का c। क्लियर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, जो कि आपका दो बार पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर थ्री आपका है, दो बार पूछा गया 2004 में 2007 में। क्वेश्चन रिपीट होने के चांसेस बहुत रहते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही पुट अप होता है एग्जाम में। तो अभी आगे आपको और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलने वाला है, तो वीडियो को लास्ट मत कीजिएगा, ठीक है, लास्ट तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा।
आपका तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ, आज यही क्वेश्चन वर्ड देखते हैं क्योंकि खांसी बहुत तेज आने लग रहा है बोलने पर, ठीक है। तो हम सिरप वरप कल ले लेंगे, उसके बाद कल से क्लासेस आपको मिलने वाली है प्रॉपर। इस क्वेश्चन को देख लीजिए, खांसी बहुत तेज आने वाली है, ठीक है, आ रही है। और जैसे क्या है इंटीग्रेशन ऑफ, तीसरा क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स माइनस वन बटे एक्स प्लस वन डी एक्स, दो बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। कैसे इसका सॉल्व करेंगे, एक्स माइनस वन है, यहाँ ऊपर माइनस है, ठीक है, माइनस वन बटे एक्स प्लस वन डी एक्स। इसका क्या करेंगे, चूँकि यहाँ पर नीचे x प्लस वन है ना, तो ऊपर हमको भी x प्लस वन बनाना है। क्या करेंगे, x माइनस वन, अब प्लस का वन जोड़ेंगे और माइनस का वन घटाएंगे, बटा क्या हो जाएगा x प्लस वन, ठीक है, यही क्या हम किए, ठीक। अब यहाँ पर नीचे x प्लस वन है, हम x प्लस वन को पेयर बना लेंगे, तो x प्लस वन को एक पेयर बना लेंगे, बचेगा सिर्फ क्या, माइनस का वन यानी कि माइनस का टू बचेगा, ठीक है, यही यहाँ पर किए हैं, डी एक्स हो गया, ठीक है, क्लियर। इस तरह से तो यहाँ से पेयर बना लेंगे, ठीक है, एक्स प्लस वन एवं माइनस टू। अब यहाँ दो इंटीग्रेशन में तोड़ दीजिए इसको, तो इंटीग्रेशन अब एक्स प्लस वन बटे एक्स प्लस वन डी एक्स, और यहाँ पर यहाँ से टूटेगा तो माइनस दो बटे एक्स प्लस वन डी एक्स, क्लियर। अब यहाँ आपस में ये दोनों कट जाएगा, इंटीग्रेशन अब डी एक्स माइनस, यहाँ बचेगा दो बाहर निकाल देंगे, इंटीग्रेशन अब डी एक्स बटे एक्स प्लस वन, क्लियर। अब यहाँ जब इसका आप समाकलन करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स, डी एक्स का समाकलन क्या होता है, एक्स होता है, माइनस टू है, माइनस टू लगा दिए, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई एक्स प्लस वन क्या होगा, लाग एक्स प्लस वन हो जाएगा, लाग एक्स प्लस वन, तो हो जाएगा टू लाग एक्स प्लस वन प्लस का सी, क्लियर। तो यही आपका फाइनली आपका आंसर आने वाला है, ठीक है, ये आपका आंसर है, ठीक है। आज की वीडियो पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया क्योंकि मुझे देखिए खांसी आ रहा है बहुत तेज, गला मतलब खांसी आ रहा है, ठीक है। तो मैंने सोचा था 10-12 क्वेश्चन यहाँ कलेक्शन है क्वेश्चन का, बट करा नहीं पा रहा है, ठीक है, बोलने में प्रॉब्लम हो रही है। इस क्वेश्चन का आप आंसर कमेंट करके बताइएगा, यहाँ पर थोड़ा सा हिंट देख लीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, ठीक है। कल से आपकी प्रॉपर क्लासेस चलने वाली, क्योंकि दवा भी ले लेंगे कल, आज दवा नहीं ले पाए हैं, ठीक है। चलिए तो आज यही क्लास बंद करते हैं, आपको सीरीज के बारे में पता चल गया, और यही क्लास बंद करते हैं, तीन क्वेश्चन कर लीजिए। कल से आपको पूरा क्वेश्चन चलेगा, 15-15 क्वेश्चन लेकर चलेगा, लगभग आधे आधे घंटे का क्वेश्चन, आधे आधे घंटे का वीडियो रहेगा, ठीक है। तो जिसमें आपको 150 क्वेश्चन पढ़ाया जाएगा, और इन 150 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। चलिए मिलते हैं कल के वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, आज के लिए सॉरी।